नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ फेसबुक अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। सबसे पहले आप गूगल को ओपन करें, इसके बाद उसमें फेसबुक खोलें। फेसबुक खुल जाने के बाद इस प्लेस पे ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर जिसे आप फेसबुक चलाते हैं वो डालिए। इसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है। इस जगह पर पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन आईडी पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये दिखेगा, यानी आप फेसबुक में इन हो चुके हैं। इसके बाद अगर आप फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस आइकॉन पर जाइए जो आपको डाउन एरो की ओर दिख रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए। इसके बाद इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा नीचे, ये देख रहे हैं सेटिंग्स लॉग आउट के ठीक ऊपर सेटिंग को क्लिक कीजिए। इसके बाद आप सिक्योरिटी में जाइए। देखिए ये साइट सेकंड नाम में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को क्लिक कीजिए। सिक्योरिटी क्लिक करने के बाद सबसे नीचे ये आपको डीएक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, ये देख रहे हैं डीएक्टिवेट योर अकाउंट, इसको क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे डीएक्टिवेट योर अकाउंट का दूसरा ऑप्शन आया, अब देखिए इसको क्लिक करने के बाद आपसे फेसबुक कुछ प्रश्न पूछेंगे कि आप क्यों अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, जैसे दिस इज टेम्प्ररी, आई विल बैक, बहुत सारे ऑप्शन हैं आप देख लीजिए। अगर आप इन ऑप्शनों से में ही किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई रीज़न आपको इन ऑप्शनों में ही है तो आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन और भी होगा अदर करने के बाद आपको अपना प्रॉब्लम का एक्सप्लेन करना पड़ता है, आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो मैं एग्ज़ाम टेंशन टेंशन लिखा, इसके बाद डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। इसके बाद आपसे फेसबुक डीएक्टिवेट करने का कंफर्म पूछेंगे कि आप डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो आप डीएक्टिवेट नाउ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। धन्यवाद।